तो प्रवासियों के लिए एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि 41 वर्कर की मौत हुई है, वो भी भारतीय वर्कर को। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं और भारत सरकार ने कुछ बड़ा एक्शन लिया, कुछ बड़ा ऐलान किया है। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुनना होगा, 3 घंटा पहले की एक्चुअली ये घटना है, जिसमें एक लेबर कैंप में कुवैत में ये घटना घटा है दोस्तों, और जिसमें लेबर कैंप में पूरी तरह आग लग गया। आग लगने के कारण कम से कम 50 से ज़्यादा वर्कर की मौत हो गई, जिसमें 41 वर्कर जो इंडियन वर्कर है, इंडियन लेबर है दोस्तों, उनकी मौत हो गई। बाद में विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा अपडेट जारी करके बताया कि उनका जितने भी पार्थिव शरीर है उनको यहाँ अपने फैमिली को सौंपा जाएगा, लेकर आया जाएगा। और भारतीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक ऐलान किया और बताया कि मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। मगर ये प्रवासियों के लिए इतना कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को कौन देखेगा। अब राज्य सरकार क्या करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनमें वर्कर हैं वो केरला से हैं। तो बहुत दुखद घटना था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।